मैया यशोदा को कहती है, बहन तेरो लाला बहुत भाग्यशाली, तेरे लाला को जन्म भयो है, मैं सुनकर को बधाई देवे के ताई आ गई। मैया यशोदा ने देखा कि ये बहन कह रही है, और कोई कहीं जाता है तो किसी ना किसी संबंध के बंधन में ही जाता है। मैया ने कोई प्रश्नोत्तरी नहीं की, मान लिया कि हां बहन बता क्या कह वो चाहे। पूतना ने कहा, बहन और तो कछु ना कहूं, मैं तो को बधाई देवे के ताई आई हूं, तेरे लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अरे तो को बहन बहुत बहुत बधाई। भगवान बालकृष्ण प्रभु पूतना को झूठी बातें करते देखकर, इसके मन में कुछ चल रहा है, ऊपर से कैसे अभिनय कर रही है, बहन बनकर मासी बनकर मुझको लेना चाहती है, भगवान रोने लगे। और रो कहां रहे हैं, मैया की गोद में। तो मैया से पूतना फिर बोली, क्यों रो रही है? पूतना बोली है, बहन तेरो लाला कितनी देर ते रो रहे हो, तू चुप ना करा सके, कहां से करा पावेगी, बुढ़ापे में तो कुलाला भयो है, अभ्यास ही ना है, बालकन को कैसो चुप कराए जा, ला 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 मुंह को दे दे। भगवान पूतना की गोद में चले गए और रोना बंद हो गया। मैया को लगा कि अनुभवी है तो चलो ठीक है, ये बहन को जिसने मेरे लाला को चुप करायो है, या के ताई कछु खाएवे के लिए लेके आऊं, जलपान की व्यवस्था के लिए मैया तो चली गई, लाला को उस राक्षसी को दे दिया, कितना भरोसा करती है मैया। भगवान के जो समीप रहते हैं वो बड़े भोले भाले होते हैं, सब पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि जो सज्जन है सीधा है वो जैसा खुद है वैसा ही सामने वाले को मानता है। यशोदा का मतलब है यश ददाति सह यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे। जो खुद पुरुषार्थ करे, खुद कष्ट सहे और यश दूसरे को दे। सफाई खुद करे और कोई कहे कि अरे बहुत अच्छी घर की सफाई है, तो जो अपनी देवरानी को यश दे दे कि अरे उसने, मेरी बहन ने सफाई किया है, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, जो अपनी ननंद का नाम ले ले कि अरे वो बहन जी आई है ना, उन्होंने सब्जी तैयार की, इसलिए इतनी स्वाद। जो ऐसी व्यापक विचारधारा रखते हैं, जो दूसरे को महत्व देते हैं, दूसरे को श्रेय देते हैं, भगवान उनकी गोद में खेलता है। भगवान रो रहे तो इतना रो रहे थे, जो रोना तो बंद कर दिए, लेकिन अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कि जो ये नकली है, जो मैया को धोखा दे रही है, जो बनावटी बातें कर रही है, इस राक्षसी को हम देखेंगे नहीं। नेत्र बंद करके मानो भगवान को सोचने लगे। जब कोई बहुत गहन चिंतन में होता है तो नेत्र बंद कर लेता है, क्या सोच रहे हैं कि अरे मैं अभी 6 दिन का हुआ हूं, इस पूतना ने, इस राक्षसी ने जो है नहीं वो दिखाई दे रही है, है तो ये काली कलूटी मोटी और कितनी सुंदरी बनकर आ गई है, स्वभाव इसका बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, लेकिन बड़ी विनम्रता से पेश आ रही है। इसने अभी तो कोई पुण्य नहीं किए, इसकी कौन सी तपस्या है जो इसने मुझ परमात्मा को अपनी गोद में ले लिया। नेत्र बंद करके भगवान विचार करने लगे।
विचार करके सोचते हैं कि अरे ये तो पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी, और जब मैं वामन बनकर के बलि के यहाँ गया था तो इसके मन में बड़ा भाव जगा था कि कितना प्यारा है, अगर कहीं इतना सुंदर बालक मेरी गोद में होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। और जब भगवान वामन से विराट बनकर बलि का सब कुछ छीन लिया तो ये क्यों सोच रही है कि ऐसा पुत्र अगर होता, इसने मेरे भाई का सब कुछ छीन लिया तो ऐसे को तो मैं जन्म देते ही जहर देकर मार देता। भगवान सोच रहे इसलिए मेरे को गोद में लेकर बैठी, मारने के लिए आई है। और विचार करने लगे कि स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई है। भगवान डर करके नेत्र बंद किए हैं, सोच रहे हैं कि मैं माखन खाने आया था, दूध पीने आया था, दूध पीना तो अभी आया नहीं, मैया ही पिलाने के लिए कोशिश करती रहती है, दूध तो पीना सका और जहर पीना पड़ेगा। हमारे डर के भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के अनेक कारण संतों ने बताए। भगवान सोच रहे हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, अब राक्षसी आ गई है, विष पिलाएगी, लेकिन अब इस झंझट से, उलझन से कैसे बचूं। नेत्र बंद करके मानो भगवान शिव का स्मरण करने लगे कि हे भोलेनाथ, आप तो विष पीने के आदि हो, आप तो संसार के विष का ग्रहण करने वाले हो, हे भोलेनाथ आओ ना, इस विष को आप ग्रहण कर लो, नहीं तो मेरे लिए झंझट हो जाएगी। पूतना ने देखा कि ये नेत्र बंद किए है, कौन सी समाधि में चला गया, नेत्र खोले और रोए कि उससे पहले इसे विष दे दूं। भगवान ने देखा कि अब तो बिल्कुल ये तैयार बैठी हुई है मारने के लिए, तो भगवान ने छोटे छोटे हाथों से पूतना की छाती को पकड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य प्राणय समम रोष समन वितोपिवत। इतना गाढ़, इतनी मजबूत पकड़ ठाकुर जी ने बनाई, छोटे से बाल कृष्ण प्रभु की पकड़ से पूतना इतनी आहत होने लगी, उसे सहा नहीं गया, उसे इतना दर्द हुआ कि वह चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, मुंच छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। छोड़ने के लिए चिल्लाने लगी तो भगवान ने कहा कि तू बड़ी शांत थी, बड़ी खुश हो रही थी कि मैं अपने मनोरथ को सफल बना लूंगी, मेरा काम बन जाएगा, कंस को राजी कर दूंगी, लेकिन अब जब मैंने पकड़ा तो चिल्लाने की कहां जरूरत, छूटना चाहती है, कैसे छूटेगी। अरे मौसी, चाहे जितना चिल्ला ले, चाहे जितना रो ले, मैं चाहूंगा तब ही तेरी कोई आवाज सुन पाएगा। पूतना की चिल्लाने से भगवान कुपित होकर के पूतना के प्राणों को पी लेते हैं। उस राक्षसी की ज्योति परमात्मा में विलीन होती है और भगवान उस पूतना को वो गति प्रदान करते हैं जिस पद को पाने के लिए बड़े बड़े योगी जन तरसते हैं। राक्षसी को वो गति दे दी, क्यों दिया, भगवान उदार हैं, वो ये नहीं देखते कि ये किस लिए आया है, कैसे आया है, भगवान केवल ये देखते हैं कि आया तो है, किसी भाव से आए, भावों को शुद्ध करना तो मेरा काम है। पूतना को सदगति प्रदान की है। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वास्तव में भगवान परम दयालु,
इनके जैसा कृपालु संसार में कौन होगा। जो विष देने के लिए आई है उसको अपना पद प्रदान कर दिया, अपना पद खाली है क्योंकि खुद तो यहां आ गए हैं, वहां तो कोई है नहीं। तो जो शरण में आ रहा है और जो यहां रहने लायक नहीं है, दोषों के कारण यहां से जाना पड़ेगा और भेजने का माध्यम मैं हूं, तो मैं जिसको भेजूंगा। जे मृग राम बान के मारे सो तन तज सुरलोक सिधारे, भगवान ने सदगति प्रदान की। पूतना जब मरी तो मरते ही उसका असली रूप आ गया। कपट तब तक ही है जब तक वह भगवान से दूर है।